नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजकुमार आर चौबे, एमडीएस ओरल पैथोलॉजी, और मेरी क्लिनिक जो है गाजीपुर में अष्टभुजी कॉलोनी में स्थित है। और हमारे यहाँ अलग अलग तरह के पेशेंट आते रहते हैं। आजकल जो है मैं देखने में आ रहा है कि बहुत सारे पेशेंट जो हैं वो कैंसर से ग्रसित आ रहे हैं, मतलब मुंह का कैंसर है। मुंह का कैंसर क्यों हो जाता है, क्या कारण है मुंह का कैंसर का, वो मैं आपको बता दूं। मुंह का कैंसर होने के बहुत सारे कारण हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है पान गुटखा खाना। पान गुटखा, तंबाकू, सुरती, किसी भी रूप से अगर आप कोई नशा करते हैं मुंह के द्वारा, तो वो आपको कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। तो कैंसर में जाने से पहले प्री कैंसरस एक कंडीशन होती है जिसको आप इलाज कर सकते हैं, लेकिन अगर प्री कैंसरस कंडीशन या लीजन का आपने वक्त रहते इलाज नहीं करवाया तो वो कैंसर में बदल सकता है। तो वो जानने के लिए आपको अपने डेंटिस्ट से मिलना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, मैं आज आप लोगों के सामने इसलिए आया कि मैं बताना चाह रहा था कि ये एक पेशेंट हैं जिनकी उम्र है 55 साल। मैं चेहरा नहीं दिखा सकता किसी को क्योंकि ये एथिकल नहीं है। तो इन्होंने, ये जब आए तो इनके मुंह में देखिए ऊपर लेफ्ट साइड में पूरा मसूड़ों में एक अलग सा छाला हो गया है। इनका कहना था कि इन्होंने 2 महीना पहले दांत उखड़वाया किसी डेंटिस्ट से और ये छाले हो गए। तो मैं बता दूं कि डेंटिस्ट लोगों को भी थोड़ा सा ध्यान देके दांत को निकालना चाहिए। छोटे छोटे अल्सर, वो अल्सर क्यों हो सकता है, कैलकुलस के वजह से हो सकता है, एक्सेसिव मोबिलिटी के वजह से हो सकता है, कोई प्रोस्थेसिस पहनने के वजह से। वहाँ पे क्रोनिक ट्रॉमा रहता है, क्रोनिक इरिटेशन रहता है, जिसके वजह से छोटा सा अल्सर रहता है जो आप एग्जामिन नहीं कर पाते हैं। लोग दूर से ही देख के ट्रीटमेंट प्लान कर देते हैं। इतने हरी में मत रहिए, इतनी जल्दबाजी मत करिए, ध्यान से देखिए कि अगल बगल कुछ कोई ग्रोथ, कोई अल्सर, कोई वाइट लीजन कुछ तो नहीं है। अगर ऐसा कुछ है तो उसका वक्त रहते ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। अब वो दांत निकाल दिए तो पेशेंट के हिसाब से ये डॉक्टर की गलती है और पेशेंट की कोई गलती नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर की गलती नहीं है। आप दांत निकालने से कैंसर नहीं होता है, कैंसर रहता ही है, दांत निकालने से उसकी थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाती है, बाकी और कुछ नहीं। कैंसर आपका पहले से ही मौजूद है। तो आप देखिए इसमें कितना वाइट और रेडिश लीजन है, ग्रोथ हो रहा है, ये 2 महीने में इतना ज़्यादा बढ़ गया। इन्होंने 3 दांत उखड़वाया था। जांच में पता चला है कि एल्वियोलस से टिश्यू लिया गया है और उसके बाद ये स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, मॉडरेटली डिफरेंशिएटेड स्क्वामस सेल कार्सिनोमा आया है। इसका इनको इलाज करवाना पड़ेगा, इलाज बहुत ज़रूरी है। अब वो किस तरीके से इलाज होगा वो बड़े पैमाने की बात है। और इसमें मैं यही बताना चाह रहा था कि आपको नशा नहीं करना है। जो अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहल लेने से कैंसर, ओरल कैंसर नहीं होता है, लेकिन अल्कोहल लेने से कैंसर का रेट बढ़ जाता है। मतलब गुटखा, पान गुटखा खा रहे हैं उसके साथ आप अल्कोहल ले रहे हैं तो सिनर्जिस्टिक इफेक्ट होगा और मतलब कैंसर ऑकरेंस के चांसेस बढ़ जाएंगे। अमेरिकन कैंसर एसोसिएशन ने जो है आपको ये प्रूफ कर दिया है कि आजकल HPV पॉजिटिव और HPV नेगेटिव के हिसाब से कैंसर को क्लासिफाई करते हैं। मतलब ह्यूमनोपैपिलोमा वायरस, HPV वायरस जो है उसके वजह से भी कैंसर होते हैं। ओरल कैंसर, ओरोफेरिंग्स कैंसर ज़्यादा होते हैं उसमें, तो वो भी कैंसर होते हैं। तो जब भी ऐसे कुछ कैंसर जो पोस्टेरियर पार्ट में ओरल कैविटी में आया तो उसमें HPV का टेस्ट हम लोग करवाते हैं, जिसमें HPV पॉजिटिविटी और HPV नेगेटिव कैंसर के हिसाब से हम लोग पहले ही क्लासीफाई करते हैं। तो ओरल कैंसर बहुत खतरनाक बीमारी है, इससे जो है आप लोगों को बचने के लिए अपने डेंटिस्ट से समय समय पर सुझाव लेते रहना चाहिए। पान गुटखा का सेवन न करें, डेंटिस्ट को समय समय पर विजिट करवाते रहें। हमारी क्लिनिक शशि शांति डेंटल एंड ओरल इम्प्लांट केयर सेंटर में बहुत से ऐसे मरीज आते हैं, डेली हम लोग कम से कम 2 से 3 बायोप्सी लेते हैं, डेली 2 से 3 बायोप्सी हो रही है मेरे यहाँ। हाँ, मैक्सिमम केसेस जो है प्री कैंसरस के रह रहे हैं और फिर जो है कैंसरस के भी रह रहे हैं, तो कैंसरस के रहने के लिए उसका इलाज दूसरे तरीके का हो जाता है। प्री कैंसरस है तो उसको हम इलाज करके उसको सही कर दे रहे हैं। तो बहुत से लोग संतुष्ट होके भी गए हैं यहाँ से। तो मुंह में जितने भी छाले, वाइट कलर का कोई लीजन है, रेड है, ब्राउन है, ब्लैक है, कुछ भी ग्रोथ है कोई भी, जीभ पे, गाल पे,
मसूड़ों पे कोई भी ग्रोथ है, कोई दांत में आपको कैविटी है, दांत कुछ नुकीला है, या कोई दांत आपने नकली लगाया वो ढीला है, तो ये सब चीज़ें आपको इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। और एक बार किसी भी डॉक्टर को दिखा के, अगर आप मेरे यहाँ आते हैं तो आपका स्वागत है, अन्यथा किसी भी डॉक्टर को दिखा के आप उसका ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। धन्यवाद।